वेलकम टू माय चैनल आईडीबी फाइनेंस। आज हम डिविडेंड्स के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है और क्या डिविडेंड से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, इसका सिंपल भाषा में जवाब दूं तो मान लो आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब उस कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो उसमें से कंपनी कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। और डिविडेंड प्रति शेयर के हिसाब से मिलता है, तो जिसके पास जितने ज्यादा स्टॉक होते हैं उसे उतना ज्यादा डिविडेंड मिलता है। अब रियल एग्जांपल देखते हैं, तो हम वेदांता स्टॉक की बात करते हैं, इसका डिविडेंड यील्ड 17% के आसपास है, मतलब 10,000 हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सालाना 1700 के आसपास जितना डिविडेंड से पैसा मिलता है, बट ये कभी ज्यादा तो कभी कम भी हो सकता है, ये ध्यान में रखें। अब मान लो जब मार्केट गिरता है तब आप इस स्टॉक को या और दूसरे स्टॉक को बाय करते हो, जैसे कि 2020 में कोरोना के टाइम पे ये शेयर का भाव 65 के आसपास चल रहा था और आज उस शेयर की प्राइस 266 के आसपास चल रही है, तो उसमें भी आपको 200 रुपये एक शेयर के हिसाब से मिल रहे हैं और डिविडेंड भी मिलता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो ये पैसिव इनकम भी जनरेट करके देता है। अब मैं और 2-3 स्टॉक बताता हूँ जो डिविडेंड अच्छा देते हैं, आप अपनी रिसर्च से ये स्टॉक देख सकते हैं। सबसे पहले है REC लिमिटेड, इसका डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास है। दूसरा स्टॉक है ONGC, इसका डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है। और तीसरा स्टॉक है IRFC, इसका डिविडेंड यील्ड 6% के आसपास है। आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।